सारे कमेंट कर रहे हैं कमल ट्रीट दे अपनी गाड़ी की, क्यों कमेंट और खुद बनाए रोटी, चाहे रोटी साग खवा दे लेकिन रोटी आप बना दे, कमेंट कर रहे सारे वो ये काम है। हां तेरे पैसे बच गए तुम भी ना शुक्रिया और ये भी ना शुक्रिया, तुम रजब की बात का गुस्सा कर गई हो और रजब की बात का गुस्सा कर गई है। अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हजरात, क्या हाल चाल हैं आपका, एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। और जनाब आज का सीन ये है कि भाई सुबह सुबह उठते ही रेडी शेडी होने के बाद आ चुका था हॉस्पिटल में। मेरे बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि काले और चिटे कोट तो अल्लाह हमेशा हमें महफूज रखे और हिफाजत में रखे। इस चीज के मतलब मैं भी सही यही सोचता हूँ कि वाकई यार जब भी बीमारी आती है तो आप सफेद कोट वालों के पास भागते हैं और जब भी आप मुश्किल में पड़ते हैं या कोई अजाब आपके सर आन पड़ता है तब आप काले कोट वालों के पास भागते हैं। खैर आज सफेद कोट वालों के पास आने के पीछे वजह ये थी कि कमल की जो ममानी है ना, मतलब कमल के सबसे बड़े मामू की बीवी, उनको ना यार 2-3 दिनों से काफी शिद्दत वाला ना पेन छेन हो रहा था, शायद किडनी में, मतलब इन्हीं वाले हिस्सों में, ये पेट के साइड साइड वाले हिस्सों में, तो उनको ऑपरेट सुपरेट का डॉक्टर ने बता दिया रात में ही एकदम से। तो वो बेचारे रात से अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, रात से लेकर आज अब सुबह तक उनका अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेट था। अब वो ऑपरेट वगैरह हो रहा है, तकरीबन 4-5 घंटे का ऑपरेट है, उसके बाद उनके हाल चाल का पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से भी दुआ करता हूँ कि यार उनके लिए भरपूर दुआ करें, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफा याबी अता फरमाए। ऑपरेट तो अब उनका खैर वाफियत से हो गया है लेकिन अभी तक उनको होश नहीं है, इसलिए अभी मैं एजल और कमल जाने लगे हैं रजब भाई की तरफ। बाय बाय, केजल को हमें पकड़ा देना। अब हमारा प्लान ये है कि जब तक ममानी को होश आएगी ना तब तक हम भी रजब के घर से फ्री होकर दोबारा से हॉस्पिटल आ जाएंगे। ओए होए होए, आज तो क्या ही मुबारक दिन है जो बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। कोई फायदा नहीं है इसको सुलाने का क्योंकि इसने सुना नहीं है और तुम बिला वजह अपनी मेहनत को जाया कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? पीछे इधर ही लगा जगह बना, इधर ही लगा दूं जगह बना दी है, बस ठीक है। अच्छा ना, आज रजब के घर पर ना कुंडों की न्याज है तो हम लोग कुंडे खाने के लिए आए हैं। खाने में जी चिकन है, साथ में कीमे, साथ में चने है, पूरी है, और मैंने अपने लिए मेरा ऑलवेज फेवरेट कीमा प्लेट में डाल दिया। कमल ने तो मेरे से दूरी इख्तियार कर ली है, वो वहाँ बैठी है और मैं इधर बैठा। एजल जी शो कर उठ चुकी है, जब हम लोगों ने खाना शाना सारा खा कर फिनिश कर दिया तब उठे हो आप। खाना बहुत मजेदार, थैंक यू मेरी जान, आपके आने का शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया। अरे नहीं यार, आना ही आना था, तुम बुलाओ और हम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लव यू मेरी जान, लव यू, लव यू, लव यू। एजल आपने नहीं खाना, आपने काम किया, मेरे काके को नान लेके आए, काके को तो लेकर ही आना था, काके को इसलिए लेकर आए क्योंकि रात को ना इसने स्पेशली हमें मैसेज किया कि बात सुनो, अगर एजल ना ना आई तुम लोगों के साथ तो तुम लोग एंटर नहीं हो पाओगे। मैंने कहा अब तो लेकर जाना ही पड़ेगा, ऊपर से फोन आता है मेरे मोबाइल पे, ऐसे काट देती है। रजब भाई निकलते हैं, हम नहीं हजम किए, नहीं हॉस्पिटल जाना है भाई मरीजों की। पीछे 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 सीन 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 बाबा, यश यश बाबा, यश बाबा, बाबा मैंने नहीं जाना। मजा आया, मजा आया मामू के घर का खाना खाकर, मजा आया, बहुत मजा आया, अम्मा की गोद में मजा आया। अच्छा यार वो क्या नाम है, मैंने सुना गाड़ी ली है कमल ने, दरवाजा बंद, हां ना ली है, वो दरवाजा ना बंद कर रहे पेंटे तेरी यार, ये क्या कर पेंटे इधर लटकाई हुई। अच्छा वो कर रहा है दादी, कह रहा है बैठ यार, तो कर यार, और जान चुप कर एक मिनट, आपको गाड़ी बहुत मुबारक, खैर मुबारक, जब कोई गाड़ी शाड़ी लेते हैं ना तो भाई जो होते हैं ना, भाई वो बहनों के घर मिठाइयां लेकर जाते हैं, वो मिठाई लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, सारे कमेंट कर रहे हैं कमल ट्रीट दे अपनी गाड़ी की, क्यों कमेंट करे? और खुद बनाए रोटी, चाहे रोटी साग खवा दे लेकिन रोटी आप बना दे, कमेंट कर रहे सारे वो ये काम है। हां तेरे पैसे बच गए, ये हैवी डिमांड की है तूने, ये नहीं हो पाएगा। रजा फैमिली सारी कमेंट कर रहे हैं, सुकेरन की फैमिली भी कमेंट कर रहे हैं, कमल खुद रोटी बनाए, साग बनाए, मैं ट्रीट लेने हूं। साग क्यों बना, साग ना बना यार, दाल बना ला, रोटी अपना। हां तुम भी ना शुक्रिया और ये भी ना शुक्रिया, जितना मैंने इसको पका पका खिलाया हुआ ना भाई, मेरी गल ना करो, मनु सवाए एक दूध के कप तो एक चीज नसीब नहीं हुई अपने भाई जेडी एने आप दी यार, अब अपने हाथ से खिलानी है बनाकर अपने हाथ। वैसे ये रजब ने हैवी डिमांड कर दी है, वैसे तुझे रेस्टोरेंट ले जाना है तो 20-25 हजार सुकून से लगा देगी, लेकिन बनाकर खिलाना मुश्किल काम है ना, बस
रोटी खुद बनाए ब्लॉग बनेगा सादी दाल रोटी भी मैं खा रहा हूँ लेकिन बनानी आपने देखा खुद बनानी है खुद डन भाई तू ब्लॉग करेगा मैं ब्लॉग करूंगा मम्मा का साथ दे रही हूँ वो भाई जी बाहर निकले हैं तो बारिश तेज स्टार्ट हो चुकी है। वैसे जब हम तेरे घर आ रहे थे ना तभी बारिश हल्की फुल्की थी लेकिन अब तेज हो गई अभी है। अभी रहमत निकली है भाई रहमत वो है मेरी बेटी रहमत है वो तो है वो पहले ये है मेरी बेटी रहमत सेमी रहमत सेमी रहमत रहमत लाइट चल यार थैंक यू सो मच निकलते हैं मेरी जान बाय 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 बाय। हाँ मैंने पहले ही बताया कि बहुत मजेदार सिस्टम था बहुत मजेदार खाना था और तुमने जो गिफ्ट लेकर आई थी वो दे दिए जी वो मुझे मिल गए हैं ना सो मच उनको खोल कर जरूर चेक करना मैं ही लेके आई हूँ। और यार मेरा और इसका घर एक ही है कितने ले जाने पैसे वो यार ये मेरी इजाजत से लेकर आती है भाई मैं कहता हूँ हॉस्पिटल से जी फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं अभी घंटा डेढ़ इधर ही गुजारा है अब बस जाएंगे वापस घर और तकरीबन दिन का ज्यादातर हिस्सा तो आज अपना हॉस्पिटल में ही गुजर चुका है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे मरीज अभी हॉस्पिटल में है ना अब वो बेहतर हैं और खतरे से बाहर हैं इंशाल्लाह कल तक पूरी तरह से तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह आने वाले 5-7 दिनों तक पूरी तरह से वो ठीक भी हो जाएंगे। अभी रास्ते में रुका हूँ क्योंकि ना कल हम लोग आए हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए लेकिन इसके जो पैसे शैसे थे ना मतलब हम लोग पर आवर के लिहाज से पैसे शैसे देते हैं तो वो कल मेरे पास वॉलेट नहीं था इसलिए मैं पैसे देकर नहीं गया था और मेरा जो बैंक ऐप है वो भी काम शाम नहीं कर रहा था कार्ड पेमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने भाई से कहा था कि यार मैं आपको कल आकर पैसे दे जाऊँ मतलब एक दिन का क्या आप मेरे साथ उधार कर सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ जैन भाई है उन्होंने कहा था हाँ कोई मसला नहीं यार आप कल दे देना पैसे। अब फिर सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और मुझे टाइम अभी मिला तो मैंने कहा यार पहले जैन भाई को उनके पैसे पकड़ा जाए। लॉक लगा हुआ है जैन भाई किधर जैन भाई गया है घर पे यार वो पैसे देने थे अंकल मैंने दे दो आपको दे दूं दे दे मुझे चलो ठीक है मैं आपको दे देता हूं आप उनको दे देना ठीक है ये लो चाचा जी जैन भाई को दे देना ठीक है ठीक हो गया थैंक यू। क्रिकेट खेल ली है नहीं आ जाओ अभी ग्राउंड खाली है मेरा दिमाग खराब नहीं है दिमाग खराब जो क्रिकेट खेलते हैं उनका दिमाग खराब होता है नहीं जो खाली ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं उनका दिमाग खराब होता है। बहन आप खेलते हो आ जाओ खेलें हाँ ये चैंपियन रही है T20 में देखने में चैंपियन रही है ये बंदी सारे मैचेस देखे हैं नेशनल टीम में खेलती थी मैं तो अल्लाह अकबर इससे बड़ी छड्डो नहीं मैंने देखी आज तक। घर वापस आते ही अपनी फेवरेट स्पॉट पर हमारी बेटी खड़ी हो चुकी है और इस हीटर को ना इसने ऐसे खेच खेच कर ना बाहर की तरफ ढीला कर दिया ये चेक करो ये भी ढीला हो गया ये भी ढीला हो गया और ये बजरी के दाने पहले यहाँ तक होते थे अब अंदर तक चले गए। और बहन क्या हाल है ठीक है बहन आई हुई है जी हमारे घर तकरीबन सुबह से ही बल्कि कल शाम से नहीं परसों शाम से नहीं कल नहीं, शाम नहीं, भाई चार दिन हो गए मुझे यहीं चार दिन हो गए चार दिन से मैं यहीं पे हूँ चार दिन नहीं यार जो सीरियस बात है ये कल शाम में आई है और आई थी गिले शिकवे करने और वो वाला गिला करने आई थी जो हमने किया ही नहीं हमारा कसूर ही नहीं था है क्या गिला था ये कवल की बर्थडे पर ना ये हमारी वाहिद बहन है और ये वाहिद कवल की दोस्त है जो रात के 12 बजे इनके लिए केक शेक लेकर आई थी। हम लोग बहुत खुश हुए थे कि यार आप आई हैं रात के 12 बजे पूरे 12 बजे केक कट किया और गिफ्ट शिफ्ट भी लेकर आई और उसके बाद इनको गिला क्या हो गया कि इनको ये था कि मैंने क्योंकि कवल की बर्थडे मैंने अरेंज की थी और उसमें जितने भी दोस्त वगैरह आए थे उनको मैंने बुलाया था मैंने नहीं बुलाया हाँ मैंने जबकि मुझे पता ही नहीं था कौन कौन आ रहा है तो वो इसलिए ये गिला कर रही थी कि यार मैं इतने प्यार से आई थी 12 बजे तो उसके बाद मुझे बर्थडे पर भी नहीं बुलाया तुम लोगों ने। मैंने कहा यार मैंने बुलाया था आपको उसी टाइम बैठे बैठे मैंने आपको कह दिया था बिकॉज इनका मेरे पास नंबर नहीं था ना ही कोई कॉन्टेक्ट था इसलिए मैं इनको बता भी नहीं पाया कि यार आखिरकार हम लोग कवल की बर्थडे दोपहर के टाइम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक यही है कि मैंने आपको उसी टाइम बैठे बैठे इनविटेशन दे दिया था। आपने नहीं कहा मुझे आपने कहा बहुत बड़ा बात करनी है बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है ना इसके साथ है ना देख ले इसके साथ किसके साथ अगर उसको बुला लेते तो ना लोगों की बातें सुननी पड़ी कौन से लोगों ने बातें सुनाई किसी बंदे ने बात नहीं सुनाई उनका अपना किला है उनका बनता भी था यार बिकॉज आपको कुछ दोस्तों से ही भरम शर्म होता है कि यार वो अपनी खुशियों में बुलाएंगे गम में तो आप वैसे ही शामिल हो जाते हैं। नहीं नहीं इसने सच्ची दोस्ती सब पे भारी सच्ची दोस्ती सच्ची नहीं
सच्ची दोस्त एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट। सच्ची दोस्ती सब पे भारी, गवल की दोस्त बैठी कवारी। क्या हो गया भाई, भूल जाए थे, आप आए तो थे। हाँ मैं आया था यार, अभी मुझे याद आ रहा है। मेरे पास रात में आई है, मैंने सलाम सुन लिया, मैं ऐसे बैठ गई। अभी इनको यार एक मिनट जरा, मुझे तो अपनी बात कंप्लीट करने दे। अभी इनको सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा इसकी सालगिरह हो और तुम्हें। नहीं यार, हम लोग दोबारा से सालगिरह करेंगे अगले साल 9 जनवरी को, तो आपको बुलाएंगे। ठीक है, खत्म बात। भाई असल गिला ये था कि चले मुझे नहीं आप लोगों ने बुलाया, फिर आप अगले दिन मेरी बर्थडे पे भी नहीं आए। हाँ अम्मी लोग तो मैंने तो बुलाया था। हाँ ना, मम्मी लोग आ गए थे उम्रे से, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन तुम्हें फिर भी चाहिए था कि उनके घर केक लेकर जाते। बात तो सुनो, ड्रामेबाज बात सुनो। हाँ केक भी नहीं लेकर गई ना ये आपके घर, गिले बनते हैं। फिर रात को 12 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे थे, लेकिन फिर भी यार अगले दिन चले जाती। दिन के 12 बजे आ जाती। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगले दिन चले जाती। यार सारे कसूर इसके हैं, इसके 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 आज तक जब भी मुझे कहा है ना, मैं इसको लेकर चले जाती किसी भी जगह। बात सुनो, ये आइए रात में मैं इससे बैठी हुई हूँ, इनका और सुनाओ। कहती मैं तुमसे कुछ बात करनी है। क्या, तुमने मुझे बर्थडे पे क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा तुम नहीं रही। अच्छा हमारे जेनो गुमान में था ही नहीं क्या, पाए नहीं हूँ और हमने आपको बुलाया नहीं है। मैं अपनी तरफ से वही बार बार कह रहा हूँ कि मैंने बुलाया था। आपने चार बार इसे कहा है कि दोनों तरफ से बात करनी। हाँ लेकिन शायद मैं बात फिर कर नहीं पाया। बंदा कोई केक भेज देता है, वो घर का बेटी लंकाट आए और अपने ही अपनों में फसाद डलाए। क्या शेर शायरी निकल रही है यार, मेरी आमद हो रही है यार। तुम साढ़े साइड दो साइड दो यार, उसकी तरफ भी हूं। उसकी तरफ। चलो जी इनका भी बोरिया बिस्तरा पैक करते हैं, आप ले जाओ आपकी तरफ। इधर की गोरी, चलो बैठो मैं चलाता हूँ। इधर बैठो बैठो बैठो, मैं चलाता हूँ गाड़ी। आप आगे, अब आगे, एक मिनट आप बैठो। चलो ऐसे एक्सीडेंट होने लगा था। आ जाओ पीछे। यार इसका एक टायर काम कर रहा है, मुड़ रहा है, दूसरा मुड़ नहीं रहा। ये देखो ये वाला टायर मुड़ गया, ठीक है, और ये वाला टायर नहीं मुड़ रहा। कोई खराबी तो नहीं पैदा होगी इसमें? कल रात से चलानी शुरू की है, उसके बाद से लेकर अब तक एक टायर खराब हो चुका है। अभी गाड़ी को मैंने उल्टा कर लिया ताकि चेक करूं कि आखिरकार टायर क्यों नहीं मुड़ रहा, और समझ लग गई है कि ये ना पेच निकल गया इसके अंदर वाला। ये पेच किधर है? इधर गिरा होगा किसी जगह। बाजू के पास था पेच। हाँ वो लाओ ना, इसको अटैच करता हूँ ताकि फिर ये वाला टायर भी मुड़ना शुरू करे, क्योंकि इस टायर के बगैर ना गाड़ी सीधी तो चल रही है लेकिन मुड़ छूट नहीं पा रहे। ये एक पेच मुझे मिल गया, लेकिन एक मिनट सादिक भाई ये पीछे कीजिएगा हाथ, इसके पीछे वाला नट भी हमें चाहिए, क्योंकि अगर नट होगा तो ये पेच लग पाएगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं। ओहो कौन चला रहे? ओहो कवल तुम चला रही हो यार, ये क्या लेकर घूम रही हो? पास्ता बनाने। पास्ता? मैक्रोनी सॉरी। तुम रजब की बात का गुस्सा कर गई हो, और रजब की बात का गुस्सा कर गई है, और रजब की बात का गुस्सा कर गई है, और आते कुकिंग शुरू कर दी है इस बंदी ने। मैंने कोई कुकिंग करनी ही नहीं, टेंशन ना लो, मैं अपनी दोस्त के लिए मैक्रोनी बनाऊंगी। नहीं नहीं गुस्सा कर गई है रजब की बात का, आते ही भाई किचन में घुस रही है। ओए कमल आज से कुकिंग स्टार्ट तुम्हारी? हाँ ठीक है, बेस्ट है, करो, अच्छी बात। यार तुम मैक्रोनी बना रही हो या पाए? इतना टाइम लगा दिया इंतजार कर करके ना, आखिरकार मैंने ना ये खोया अपना। ओए इधर दे, पहले ही थोड़ा यार कमल ये काम नहीं करो, वापिस दो। माफी किस चीज की मांगू? किस चीज की माफी मांगो? मैं ना माफ करता दे दे, थैंक यू यार, मेरे से तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था, इसलिए मैंने खोया खाना शुरू कर दिया और आपा ने हलवा खाना शुरू कर दिया, लेकिन इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और हम भी ऐसे ढीठ हैं, मैं भी और आपा भी, कि वो मेहमान सामने बैठे हैं और मैं खोया खा रहा हूँ और ये हलवा खा रही। सॉरी यार आप चेक करें, अब आपकी रील उल्टी पड़ गई है। नहीं कोई मसला, आप चेक करें, आप चेक करें, कोई मसला नहीं। मुझे अभी बस माइंड में है, जब भी मैंने आधा खा लिया कि यार इनको भी पूछ लेना चाहिए। अब हाँ आप भी पूछ लें। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि ये तूने कल का छोड़ा हुआ है झूठा, तो मेहमान का झूठा नहीं देते। अच्छा ये बात तो वैसे सही है यार, ये अच्छा बहाना हमारे आपने। वैसे मैंने कोई नहीं छोड़ा हुआ।
वाह भाई वाह, मैक्रोनी दिखने में तो बहुत जबरदस्त लग रही है। बाकी खाकर बताता हूँ कि कैसी है। कैसी बनी है बहन? बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त ना। यार मैंने अपने परसों वाले व्लॉग में बताया था कि जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो तब मेरे 2 खुश नसीब सब्सक्राइबर होंगे जिनको के मैं गिव अवे करूंगा। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं आज उस गिव अवे के रिलेटेड बता दूं, लेकिन अब मैं कल आने वाले अपने व्लॉग में गिव अवे को अनाउंस कर दूंगा कि उन 2 सब्सक्राइबर्स को मैं क्या चीजें गिव अवे करूंगा जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और वो 2 सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान के अगर किसी भी कोने से होंगे मैं उन तक पहुंचूंगा और उनकी गिव अवे वाली चीजें उन तक पहुंचाकर भी आऊंगा इंशाअल्लाह। तो अभी बस भाई की एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भरपूर 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 सब्सक्राइब करो, बिकॉज जल्दी से जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं। और उसके अलावा दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि दुआओं में जरूर याद रखो कि अल्लाह ताला मुझे लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे, और अल्लाह ताला आप सबको भी लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। चले जी अपने भाई को दे अब आज के व्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऑल माय लेसंस पारेसे साबर क्वांडो वोल्वेर अ मी ऑफ ऑल माय ब्लेसिंग्स।